नमस्कार, मैं वैभव सोनी, एच टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पाताल लोक के पहाड़ में शिव जी का निवास, गुप्त गंगा से जल अभिषेक, नर्मदा से मलाज खंड मार्ग पर स्थित चोरड़ा धाम में भगवान शिव पाताल लोक के पर्वत की गुफा में विराजमान है। यहां गौमुख से निकल रही गुप्त गंगा से भगवान शिव का जल अभिषेक निरंतर हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अन्य राज्यों के भी दर्शनार्थी हजारों की संख्या में आज सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शनार्थियों द्वारा आज सुबह 4 बजे से ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने गुप्त जल से स्नान कर दीप जलाकर गुप्त गंगा की पूजा अर्चना की गई, जो देर रात तक चलेगा। उल्लेखनीय है कि नर्मदा मलाज खंड मार्ग पर जंगलपुर घाट के समीप स्थित चोरड़ा धाम प्रकृति और नजरिए से काफी खास स्थान है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले माँ कमलेश्वरी, गरगरा माई, मामा भांजा के दर्शन होते हैं। एक बड़ा मैदान पार करने के बाद 150 फीट पाताल लोक सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाने के बाद डोंगेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। वहाँ एक कैलाश पर्वत के सामने बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके नीचे डोंगेश्वर महादेव की मंदिर है, जहाँ पाताल गुप्त गंगा से आने वाले जल सीधे गौमुख होते हुए शिवलिंग पर नियंत्रण जल अभिषेक हो रहा है। जो लोग इस चोरड़ा धाम के गुप्त जल को अपने घर में ले जाकर विभिन्न रोगों का उपचार कर रहे हैं, रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ का जल कई बरस तक डिब्बे में बंद रखने पर भी कभी खराब नहीं होता। यहाँ बड़ी चट्टाने और गुफाएं जो दर्शकों को बरबस ही अपने ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ गुफाएं भी हैं जिन्हें वर्तमान में गहरा अंधेरा होने के कारण बंद कर दिया गया है। गुफा में काफी रहस्य हैं, इसकी लंबाई का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसके पास के जंगल में आयुर्वेदिक हरे भरे पौधे की भरमार है जिन्हें साधु संत द्वारा जड़ी बूटी बनाकर लेप कर लोगों का उपचार होता है। जानकारी के अनुसार यहाँ आए श्रद्धालुओं द्वारा इस मार्ग के 150 फीट नीचे से पहाड़ी की ओर प्राचीन मुड़बुल का मार्ग है, जहां कबीर साहब के दर्शन के बाद वह रास्ते से निकलते हैं जो पताल से सीधे पहाड़ मैदान मेले स्थान तक जाता है। कार्तिक पूर्णिमा एवं महाशिवरात्रि के मौके पर यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। ये जैन मंदिर है ना, वो जय डोंगेश्वर महादेव के नाम से है और ग्राम जंगलपुर में है। लेकिन मंदिर के खासियत है कि यहाँ जैन पानी है ना, वो कभी भी रखा डब्बा में रखा या कोई भी चीज़ में तो एक साल दो साल कितनों दिन तक रखा, लेकिन वो पानी ख़राब नहीं हुए। और ये भी चीज़ है जैन पानी में नहावे ना कि एकदम मतलब शरीर एकदम मस्त लगते, मुलायम लगते पानी के नहाए से। और कि ये कह दे कि ये पानी बहुत अच्छा है और भोलेनाथ के जगह जैन दर्शन करेंगे काफ़ी बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ जन प्रकृति है, जंगल झड़ी वो बहुत मस्त है और यहाँ मेला भरा थे, बहुत भीड़ भरा थे। अलग अलग डहाँ ले जैन देखे लाते कई तो कई डहाँ ले विदेशी मन घलोक आ गए यहाँ कई बार। ऐसे जगह कई बार नांग सांप देखे मिल जाते भोलेनाथ के जगह में, लेकिन ये जगह बहुत अच्छा है और देखे लायक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जय जय भोलेनाथ। महाराज यहाँ कब कब मेला भरा थे? ओम नारायण कृष्ण 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 ओम नारायण कृष्ण, जय अयोध्या धाम की जय।
जय जय डूंगेश्वर महादेव की जय। धरती पृथ्वी आकाश पाताल की जय। राजा महाराजाओं की जय। कुल की देवी देवता भामड़ी देवी की जय। पृथ्वी आकाश पाताल की जय। ये डूंगेश्वर महादेव है, भोलेनाथ का मंदिर है। ये डूंगेश्वर महादेव के नाम से जाने जाता है। और ये जब से धरती पृथ्वी आकाश पाताल इस सृष्टि रचाया है, जब से यहाँ गंगा मैया विराजमान है, पहाड़ के अंदरों से आता है। पहाड़ के अंदरों में भोलेनाथ का जटा है। यहाँ पे इस तीर्थ यात्रा का जगह में जो अपने पांवों से चलकर आते हैं, आंखों से दर्शन पाते हैं, मुख से नाम लेते हैं, दसों इंद्रिय से जो विनती करते हैं, उसका कल्याण होता है। यहाँ का गंगा मैया भोलेनाथ के जटा से निकलने वाले गंगा मैया का ही महात्मा है और उसका महान है। और गंडई वाले जो राजा साहब जो है, खुसरो साहब, उनका पूर्वजों ने इस देवी देवता भोलेनाथ को यहाँ पधारे गया है संसार के कल्याण के लिए। महाराज जी यहाँ कब कब मेला भरा थे? ओम नारायण विश्वनाथ की जय। काशीपति की जय। भोले भंडारी बैरागी डूंगेश्वर धाम जगदम्बे पार्वती कार्तिक गणेश की जय। यहाँ मेला भराते हैं पर्व में, कार्तिक पूर्णिमा में मेला भराता है 2 दिन का। हाँ। और महाशिवरात्रि में ही मेला भराता है भोलेनाथ का। हाँ। और जो अक्ति का जो पावन होता है चैत महीना, वैशाख महीना, उसमें अक्ति का समय भी यहाँ मेला लगता है। मढ़ी खोल के समय जब मेला लगता है तो यहाँ भी मेला लगता है जी। यहाँ मेला कब कब भराते बाबा? कार्तिक पूर्णिमा में आज भरा है। हाँ। और महाशिवरात्रि फागुन के मान के महाशिवरात्रि मेला है। अब आए बन तो बहुत आती कमता नानगाँव और फिर बालाघाट पैहर तक के आदमी आता है। और यहाँ गुप्त कदमी है, पहाड़ है, साधु संत के जगह है, नांगदेव तक जगह है, फिर बजरंग बली यहाँ आता है। अनमोल है देवता की, यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।